थीटा हीलिंग की मास्टर गुप्पा जी से नेशनल बस के एडिटर रमनीक मोंगिया ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने थीटा हीलिंग और मेडिटेशन में क्या अंतर है और थीटा हीलिंग से मनुष्य के जीवन में क्या फायदे हैं, थीटा हीलिंग द्वारा शरीर को जकड़ी हुई बीमारियां और मानसिक परेशानियों को दूर किया जा सकता है। देखें नेशनल बस की ये अनोखी बातचीत में। आज हम गुप्पा जी के साथ हैं, ये थीटा हीलिंग की मास्टर हैं। थीटा हीलिंग इनसे पूछते हैं कि दूसरी जो मेडिटेशंस हैं उनसे ये थीटा हीलिंग कैसे डिफरेंट है और इनकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे और ये कैसे थीटा हीलिंग के मास्टर बने और क्या चीज़ें इनको अट्रैक्ट की कि ये थीटा हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट था, जैसे रूह वगैरह से बात करते थे बचपन में, डांट पड़ती थी पर फिर भी छुप छुप के हम रूहों को बुला के उनसे बातें करते थे, और जैसे बड़े होते गए तो और चीज़ों में रुचि बढ़ती गई, जैसे वास्तु है, फंक्शुई है, तो इसके बारे में इंटरनेट में मैं बहुत पढ़ती थी और वहाँ से जानकारी हासिल करती रही। फिर हिप्नोथेरेपी का बहुत प्रचलन बढ़ने लगा और मेरे को किसी ने कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हूँ तो मेरे को हिप्नोथेरेपी के सेशन लेने चाहिए। मेरे को उससे थोड़ी हिचकिचाहट थी क्योंकि मेरे को जहाँ तक मेरी अनजानी नॉलेज थी वो ये मेरे को कहती थी कि इसके द्वारा कोई आपको जादू टोना कर देगा, आपको अपने वश में कर देगा, तो हिप्नोथेरेपी से मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए कुछ और मैं इंटरनेट में खोजने लगी कि क्या चीज़ है जिससे अपना मोटापा कम किया जा सकता है। तो मैं दुबई में रहती हूँ और वहाँ पे दिवाली के टाइम पे एग्जीबिशंस लगती हैं होटलों में, तो उसमें किसी ने दिवाली बाज़ार में अपना स्टॉल लगाया था और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाली थी कि आप हमारे से 4 सेशन खरीदें कंसल्टेशन के लिए अपना वज़न कम करने के लिए और 5वां आपको फ्री देंगे। फिर उनसे जब मैं बात करने लगी तो उन्होंने समझाया कैसे करके हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे इमोशंस में ऐसी चीज़ें आके बैठ जाती हैं जो हमारे शरीर में घर बना लेती हैं, और जब तक हम उनको अपने शरीर से ना निकालें तब तक हमारा वज़न, हमारा मोटापा वहीं का वहीं रह जाता है। तो मैंने उनसे अपने 5 सेशन की सारी अपॉइंटमेंट ले ली। उसी एग्जीबिशन में वो अपने क्लासेस के लिए भी डिस्काउंट दे रहे थे, तो 20 दिन की क्लासेस थी जिसमें लेवल 1 जो है वो 3 दिन का होता है, लेवल 2 भी 3 दिन का होता है। ऐसे करते करते जो मैंने सीखना था वज़न कम करने वाला कोर्स वो बिल्कुल 20 दिन के आखिर में था और उसको करने के लिए लेवल 1, लेवल 2 अन्य कोर्स और करने थे। तो चलिए मैंने 5 अपनी कंसल्टेशन की, उसके बाद मैंने अपना लेवल 1 का कोर्स किया, लेवल 2 का किया, करते करते जब मैंने सारे कोर्स किए 20 दिन के बाद मेरे को इतना इस हीलिंग से खुद को सुकून मिला। जब मेरे को लगता है कि मेरे सुकून बिगड़ रहा है तो मैं वापस जाके लेवल 1 का कोर्स कर लेती हूँ, और जितनी बार मैं लेवल 1 का कोर्स करती हूँ उतनी बार ही मेरे को उसमें से कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरी अपनी ज़िंदगी में मेरा वज़न कम होने के साथ साथ जो मेरे को पर्सनल फ़ायदे हुए हैं, मेरे घुटने में मेरे को 2012 अगस्त में मैं गिर के मेरे को घुटने में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला था लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बाद ही मेरा घुटना ठीक होएगा। ये अगस्त की बात है और चंडीगढ़ में थी तब मैं, यहाँ से मैं प्लास्टर लगा के पूरे टांग में बाई एयर दुबई वापस गई। वहाँ दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो कहते सर्जरी के बिना कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने प्लास्टर तो उतार दिया पर मेरे को एक बकल वाला ब्रेस पूरे टांग पे पहना दिया। मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ, उन दिनों मेरे को
मजबूरी से ड्राइवर के साथ जाना पड़ा, जो मेरे को बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। आर्मी में कैप्टन रह चुकी हूँ, सेकंड बैच ऑफ लेडी ऑफिसर से हूँ, हर काम मेरे को खुद करने की आदत है, तो किसी के साथ ऐसे जाना मेरे को बहुत ही घुटन महसूस होती थी। तो जब डॉक्टर ने कहा सर्जरी, तो मैंने कहा मेरे 15-20 दिन के बाद थीटा हीलिंग का एडवांस्ड एक और कोर्स है जिसको हम इंट्यूटिव एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें हम अपने शरीर के रोम रोम तक जाके शरीर के हर सेल एटम से बात करते हैं, पता करते हैं उसमें कौन सा दुख छुपा है, कौन सी चीज़ों से हमें किस चीज़ की बीमारी हो रही है। तो डॉक्टर से मैंने कहा मेरा ये 15 दिन का कोर्स है, मेरा ये कोर्स हो जाने दो, उसके बाद अगर मेरे को कोई राहत नहीं मिलेगी तो मैं सर्जरी कराऊंगी। कोर्स शुरू होने के 3 दिन बाद मेरे क्रचेस भी छूट गए और मेरे जो ब्रेस लेग ब्रेस थी वो भी उतर गई। फिजियोथेरेपी भी मेरी, डॉक्टर ने बोला था 6 हफ्ते बाद शुरू होगी, मेरी फिजियोथेरेपी भी 3 हफ्ते बाद शुरू होगी। तो ये मेरा पहला पर्सनल एक्सपीरियंस था जिससे मेरे को बहुत आराम मिला। 2015 में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरे को कोई घबराहट नहीं हुई, मेरी फैमिली बहुत परेशान थी कि अब क्या होएगा, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही सब में दहशत फैल जाती है। पर मेरे को इतना यकीन था कि जो मैं 2012 मई से थीटा हीलिंग सीख रही हूँ, जिसके साथ मेरा घुटना ठीक हो गया है, जिसके फाउंडर ने खुद अपनी लेग कैंसर का इलाज खुद किया है, तो मेरा कैंसर भी इसी से ठीक होएगा। जब मैं सर्जरी के लिए मैंने जाना था, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि 4 सेंटीमीटर का टिश्यू निकालना पड़ेगा। सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने सिर्फ 2.4 सेंटीमीटर का टिश्यू निकाला। तो जाने से पहले मैंने जो अपने ऊपर अपने फ्रेंड्स को बोला कि हीलिंग करने के लिए, जो मैंने खुद हीलिंग की, उससे मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना एक गोली खाए अपना कैंसर को ठीक किया है, क्योंकि कैंसर भी आपके मानसिक वजह से फैलता है। आपको शरीर में जो भी तनाव है वो आप अंदर रखे रखें तो वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में आपके शरीर में कब्जा कर लेता है। थीटा हीलिंग किसी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो डॉक्टर का डायग्नोसिस है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। डॉक्टर ने आपको अगर कोई ट्रीटमेंट बताया है वो आपको जारी रखना चाहिए, साथ के साथ उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप थीटा हीलिंग की सहायता ले सकते हैं। थीटा हीलिंग है, मेडिटेशन होती है, ये क्या अंतर है जो बहुत सारे लोग आजकल आ गए हैं? थीटा हीलिंग भी एक प्रकार की मेडिटेशन है, क्योंकि इसमें भी हम अंतर ध्यान होके धरती की जो एनर्जी है उसको हम अपने शरीर के अंदर से ले जाके ऊपर जो आसमान की, जिनको हम भगवान कहते हैं, अलग अलग नाम से उनको जानते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहते हैं, कोई उनको क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज कहता है। थीटा हीलिंग में हम उनको क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज को बनाया है। तो हम अपने शरीर में जब ये सारी एनर्जी कंबाइन कर लेते हैं, हम अंतर ध्यान होके क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम मेडिटेशन द्वारा ये देखते हैं कि जो वो भगवान हैं, जो क्रिएटर हैं, वो किस तरह से किसी भी टाइप की हीलिंग कर देते हैं। आपके आर्थिक कोई भी तकलीफ है, आपके अगर रिलेशनशिप्स में कोई तकलीफ है, हर चीज़ का एक ही जवाब है, जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं, हम कहते हैं भगवान पे छोड़ दो। पर आम आदमी क्या कहता है, भगवान पे छोड़ने की बजाय हम अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, हमको इस तरीके से काम करना है, हमको कल नहीं, हमको उसका रिजल्ट अभी चाहिए। पर भगवान ही जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो जब आपके कभी अड़चने आती हैं तो आपको पीछे हट के ये सोचना चाहिए कि क्या भगवान सही में आपके लिए ये चाहते हैं, क्या ये दिशा आपके लिए ठीक है। तो थीटा हीलिंग भी
एक मेडिटेशन का ही रूप है जिससे आप भगवान से बिल्कुल एक होके सिर्फ आप और भगवान हैं जो वो चीज को सुधार रहे हैं बजाय इधर उधर कोई उपाय ढूंढने के। थीटा हीलिंग में जैसे दूसरे कुछ मैंने देखे हैं उसमें मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, कोई कहता ओम, कोई माँ, कोई इस तरह के अलग अलग तरह के वो मंत्र बना लिए हैं सबने, तो सब लोग अल्टीमेटली शिव को पूजते हैं जितना मैंने पढ़ा है। तो आप क्या इसमें भी शिव की पूजा होती है या इसमें कोई मंत्र उच्चारण होता है या इसमें कुछ आपकी क्या क्रिया क्या है इसके अंदर? इसमें हम कोई मंत्र नहीं उच्चारते, इसमें हम किसी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देते, ये हर रिलीजन के लिए बराबर है क्योंकि इसमें सिखाया जाता है कि आप खुद ही कैसे भगवान से हॉटलाइन समझें, हॉटलाइन के द्वारा एक हो सकते। तो इसके जो फायदे जो अभी आपने बताए कि ये आपकी आर्थिक हालात खराब हैं या मानसिक हालात खराब हैं उस पे सीधा आपका असर पड़ता है, तो और इससे जैसे बीमारी में आपने बताया कि इसका बीमारी का हुआ है, तो अभी आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो जिन लोगों को आपने थीटा हीलिंग सिखाई है किसी में इम्प्रूवमेंट आपको दिखी हो? एक मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने दुबई से वापस इंडिया आके सेटल होना था और उनको हवाई जहाज में ट्रेवल करने से बहुत डर लगता, तो वो मेरे पास आए थे सेशन के लिए। हफ्ते 10 दिन के बाद उनकी फ्लाइट थी, पूरा उधर अपना काम बंद करके वापस इंडिया आ रहे थे, तो उन्होंने सेशन लिया था और वो बिल्कुल निश्चिंत होके फ्लाइट में बैठ के वापस आ सके। इसका कितने दिन की ये प्रोसेस है, कितने दिन का कोर्स है और इसमें कितना टाइम चाहिए, रोज 1 घंटा 2 घंटे कितने देर का ये कोर्स है? जो लेवल 1 का कोर्स है जिसको हम बेसिक थीटा हीलिंग DNA 2 कोर्स कहते हैं, ये 3 दिन का है। इसके बाद एडवांस्ड DNA 2 का कोर्स होता है, ये भी 3 दिन का है। ये 2 कोर्स करने के बाद आपके इच्छा है तो आप आगे और कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे अपने पढ़ाई बंद कर सकते हैं। पहला कोर्स करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप खुद लोगों की कंसल्टेशन करके उनकी जो मुश्किलें हैं उसमें उनको गाइड कर सकते हैं। क्या आत्मा होती है और क्या आत्मा कितनी बार अगले जन्म लेती है? आत्मा होती है, आत्मा अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग शरीर धारण करके आती है, तो हमारी कुछ जो मुश्किलें हैं वो आत्मा के पुराने जो एक्सपीरियंस हैं उससे रिलेटेड होती हैं। कुछ हमारी मुश्किलें होती हैं जो हमारे पूर्वजों के DNA से रिलेटेड होती हैं। तो जब हम थीटा हीलिंग के द्वारा कंसल्टेशन करते हैं या अपनी क्लासेस करते हैं तो हम आत्मा के भी जो कष्ट हैं वो क्लियर करते हैं और जो पूर्वजों के खुद के DNA में जो रिकॉर्डेड है वो भी हम क्लियर करते हैं, क्योंकि DNA जो हमारा है वो कंप्यूटर के जैसे कई चीजें रिकॉर्ड करता है और वो हमको एक पीढ़ी से आगे अगली पीढ़ी उससे अगली पीढ़ी में ये चलता जाता है जब तक हम इसका उपाय इलाज करके इसको हम खत्म ना कर दें। थीटा हीलिंग का स्टार्ट किसने किया? ये थीटा हीलिंग को अमेरिका की एक लेडी है मिसेस वायना स्टाइबल, उन्होंने कोई 20-25 साल पहले शुरू किया था। वो पहले नेचुरोपैथ थी, वो नेचुरोपैथी के द्वारा अपने दोस्तों का परिवार का इलाज करती थी। इस दौरान उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया और जब उनके पास कोई भी आता था कंसल्टेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए तो कुछ सालों के बाद इन्होंने देखना शुरू किया कि ये बिल्कुल ही अपने तकलीफ से मुक्त होके जा रहे थे। तो इन्होंने अपनी मेडिटेशन द्वारा पूछा, गॉड से कनेक्ट होके इन्होंने पूछा कि ये क्या वजह है जो नेचुरोपैथी में नहीं ठीक हो रहे थे पर अब मेरे मेडिटेशन शुरू होने के बाद ये ठीक हो रहे हैं। तो इनको जवाब मिला कि ये सिर्फ ये एक जरिया है और जितनी हीलिंग हो रही है वो
डायरेक्टली सुप्रीम एनर्जी क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज गॉड वहां से हो रही है। फिर इन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो एक साइंटिस्ट को इन्होंने कॉन्टेक्ट किया और अपने ब्रेन के मशीन के साथ वायरिंग कनेक्ट करके तो मशीन के द्वारा इन्होंने चेक किया कि जब ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो ब्रेन क्या फ्रीक्वेंसी यूज कर रही है। तो उससे पता चला कि हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो ब्रेन की थीटा फ्रीक्वेंसी को यूज करके मेडिटेशन के द्वारा ये सारी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो आप अब क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि इस जो थीटा हीलिंग है ये दूसरी मेडिटेशन से किस तरह से बेहतर है? इसमें हम कई प्रकार की मेडिटेशन मिक्स करते हैं, जैसे कि चक्रा मेडिटेशन, जैसे कि धरती की मेडिटेशन, क्योंकि धरती जिसको हम माँ बोलते हैं, धरती माँ की अपनी एनर्जी होती है, अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो भी हम धरती से ऊपर खींच के अपने शरीर के चक्रास से पास करके ऊपर आसमानों से ऊपर लेके जाते हैं और भगवान की एनर्जी के साथ उसको एक करके हम अपने आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो अपनी पाठ पूजा करते हैं वो भी जरूरी है, फिर भी अड़चने आती हैं, तो थीटा हीलिंग के द्वारा आप भगवान के साथ एक होके बिना किसी और की इंटरफेरेंस के, बिना किसी और की मदद के, आप खुद अपने पे निर्भर होके अपनी तकलीफें सुलझा सकते हैं। अभी हमारी गुप्पा जी से बात हुई है और उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि थीटा हीलिंग क्या होती है और ये किस तरह से दूसरी मेडिटेशन से डिफरेंट है और किस तरह से ये एक बंदा जो अगर इसको करे और किस तरह से वो अपने आप को बीमारियों से रिकवर कर सकता है, मेंटली जो अपसेट हैं, मेंटली जो परेशानियां हैं वहाँ उनसे उभर सकता है, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी की परेशानियां हैं उनसे बाहर आ सकता है, और किस तरह से जो सबसे बड़ी बात है कि हम हर आदमी पाठ पूजा कर रहा है और भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, एक संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके द्वारा वो सीधी भगवान से अपने संपर्क बना सकता है, कनेक्ट हो सकता है और उसके जो मसले हैं ज़िंदगी के वो किस तरह से बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं, परेशानियां किस तरह आसानी से हल हो सकती हैं। तो ये थीटा हीलिंग बेसिकली वो चीज़ है। रमनीक मोंगिया, नेशनल बस के लिए, चंडीगढ़ से।